हेलो बच्चों, लेसन एट का क्वेश्चन क्वेश्चन है स्टेप इंटीग्रल है 0 टू पाई एक्स इनटू एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स डीएक्स इज इक्वल टू ए इनटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स डीएक्स प्लस बी देन द वैल्यू ऑफ ए इज 4 ऑप्शंस आर क्यू। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए हमारा क्या रहेगा। सिंस यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे, इस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को। नाउ जो हमारा इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू, लेट करेंगे हम इसको इंटीग्रेशन 0 टू पाई है एक्स इंटू एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, एफ ऑफ ये कितना आएगा कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 4 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स कोस पाई माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा के इक्वल आएगा, लेकिन स्क्वायर तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज एफ ऑफ ये वैल्यू आएगी हमारी कोस स्क्वायर एक्स और प्लस ये भी यहाँ पर ए वन पावर है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 10 की पावर 4 एक्स ही आ जाएगा और इनटू में हमारा डी एक्स। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट इज आई इज इक्वल टू फाइनली बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई इनटू एफ ओ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इनटू डी एक्स और माइनस के साथ आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो इंटीग्रल है तो हमारा i ही तो है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो i और i कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई इंटू एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स। तो ये फाइनली यहाँ पर फिर से हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, इफ अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये हमारा किसके इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है। यहाँ से अगर हम इस वाले फंक्शन को लें, ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमें फिर से यही मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर देंगे इसमें, दैट इज फाइनली आ जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा हमारा पाई इंटू लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 और इधर आएगा कितना 2 आएगा बाहर और एफ ऑफ कितना आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इंटू देख सा जाएगा 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आई इज इक्वल टू जो हमारा इंटीग्रल है ये कितना आया पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से जो हमारा ए आ रहा है ए की वैल्यू क्या आ रही है पाई की इक्वल आ रही है कंपेयर करने पर, बिकॉज ए हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स इनटू डीएक्स का, और इसके मल्टीपल में हमारा क्या है बाहर पाई है तो ए की वैल्यू कितनी होगी पाई के इक्वल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। होप इट सुटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।